जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र से न्यू दैनिक लाइव न्यूज 24 चैनल के लिए मैं चंद्रदेव बर्नवाल। ये सोनो थाना अंतर्गत कुरकुट्टा गांव है। यहाँ पर तकरीबन 25 वर्षों से यहाँ का पानी में फ्लोराइड पाया जा रहा है, जिस कारण यहाँ का पानी पीने के बाद सभी लोग विकलांग होते जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने एक पानी व्यवस्था किया था, टंकी बनाया था, जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, पानी यूज करने लायक नहीं बच पाया है। इस संबंध में यहाँ के ग्रामीण इन लोगों से जरा सा हम संपर्क करना चाहते हैं कि आखिर आपको क्या दिक्कतें हो रही है। हाँ सर, आप बताएं। यहाँ जो टंकी बनी हुई है ये बिल्कुल जर्जर हो गई है, जो इसका पानी लोगों तक पहुँचता नहीं है, पानी बिल्कुल बर्बाद हो गया है, इसमें कीड़ा भी हो गया है। ये पानी लोगों को स्वास्थ्य के लिए अच्छा करने के लिए बना था, लेकिन और स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यहाँ के लोग विकलांग हो रहे हैं। सरकार से मेरे अनुरोध है कि वो यहाँ आके देखे और यहाँ की व्यवस्था को अच्छा करे। धन्यवाद। हाँ, इस टंकी में कार्यरत एक लोग रहते हैं यहाँ पे, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपको इससे क्या कष्ट हो रहा है। मेरा नाम त्रिपुरारी साहब है, मैं कुरकुट्टा का वासी हूँ। और जब से ये पानी टंकी बना है, इसमें हमको चलाने देख रेख चलाने का भार सौंपा है। हम जब से ये पानी चला रहे हैं, आज तक कोई देखने तक यहाँ नहीं आया है। जितना दिन से हम पानी चला रहे हैं, आज तक हमको पैसा भी नहीं मिला है। हमारा पैसा जब नहीं मिल रहा था, हम इसको कहाँ से देख रेख करें हमारे पर। उसके बाद कि कितने जगह पानी पाइप फट गया है, उसके कारण बोले हैं ऑफिस में, बोला कि खबर करो। ऑफिस में बहुत बार फोन किए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, धन्यवाद। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये यहाँ का पानी पीने से कैसे लोगों का पैर विकलांग हो गया। ये देखिए, अभी विकलांग व्यक्ति हैं जो पानी यहाँ का पानी जो प्रयोग किए हैं, जिसके कारण से किस तरह यहाँ के लोग हो रहे हैं। ठीक है।